गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 8 को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश फर्स्ट है, यानी इंग्लिश रीडर है आपका। चैप्टर 1 आपका चल रहा है फाइंडिंग माई वे, यानी मेरा रास्ता खोजना। फिशिंग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ अ स्टोरी। मेरा मछली मारना जो है मुझे याद दिलाता है एक कहानी के बारे में। माई ग्रैंड फादर परसादी लालुकाए और मेरे दादाजी जो हैं जो थे जिनका नाम क्या था, परसादी लाल उके जो था, हु बिस्टोर्ड ऑन मी माई लॉन्ग विंडेड नेम टोल्ड मी। और जो मेरा नाम रखा गया, जो मेरा लंबा चौड़ा जो नाम है वो मेरे दादाजी के द्वारा दिया गया था और उसी नाम से मुझे पुकारा जाता है। अ धोबी हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर। एक धोबी जो अपने कपड़ों को रोजाना धोता है कहाँ पे, नदी में। ऑल्सो फिट द फिश एवरी डे। धोबी कपड़ा भी धोता है और उसके साथ साथ क्या करता है, रोज़ मछली को खिलाता भी है। वन डे अ फिश विद सिक्स टू रिपे हिज ग्रैटिट्यूड। एक दिन क्या होता है कि एक मछली जो उसका धन्यवाद चुकाना चाहती है, यानी जो रोज़ ये आके खाना मछली को खिलाता है, वो मछली चाहती है कि वो उसके एहसान को यानी उसका धन्यवाद जो है वो चुका सके। टेल्स हिम अबाउट द इमिनेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो मछली बताती है उस धोबी को कि बहुत जल्द ही ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। द मैन वंडर्स हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ। वो इंसान जो है वो ताजुब में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने आप को बचा सकता है। एंड हिज लव्ड वन, और जिनसे वो प्यार करता है उसे कैसे वो बचा सकता है। और वो किससे किससे प्यार करता है ये देख लीजिए, हिज सिस्टर एंड अ रूस्टर। उस धोबी की एक बहन है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसके पास एक मुर्गा है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो इंसान जो है वो ताजुब में पड़ जाता है जब उसको पता चलता है कि ये दुनिया जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो वो ताजुब में पड़ जाता है कि वो अपने आप को कैसे बचाए और अपने जिस प्यारे जो हैं उनको कैसे बचाए। द फिश सजेस्ट्स, जो मछली जो है उसे प्रस्ताव देती है, डैट ही गेट इन टू अ वुडन बॉक्स, कि वो एक लकड़ी का बक्सा बना ले और उसमें वो चला जाए। विच इट वुड फेरी टू सेफ्टी, और उसको उस बक्से को क्या करे, नाव पे रख दे। यानी जब वो नाव पे रख देगा तो वो उसके लिए क्या करेगा, सुरक्षा का काम करेगा। यानी अगर बर्बाद भी दुनिया होता है तो वो नाव पे रहेगा तो वो बर्बाद नहीं होगा। आफ्टर द एपोक्लिप्स, जब ये पूरे तरह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी दुनिया जो है वो जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। व्हेन गॉड सर्चेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ, जब भगवान जो हैं वो पृथ्वी पर जीवन को खोजते हैं, ही फाइंड्स द धोबी, तो वो किसको पाते हैं, धोबी को पाते हैं। यानी पूरी तरह से दुनिया जब बर्बाद हो जाती है, उसके बाद जब गॉड जो हैं वो पृथ्वी पर जीवन को ढूंढने आते हैं तो वो किसको पाते हैं, तो वो धोबी को पाते हैं, हिज सिस्टर, उसकी बहन को पाते हैं। द फिश, उस मछली को पाते हैं। एंड द रूस्टर, उस मुर्गे को पाते हैं। एंड द वर्ल्ड इज़ रीमेड, और दुनिया का फिर से निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये लोग लकड़ी के बक्से में बैठ के कहाँ पे थे, एक फेरी में थे, यानी एक नौका में थे, तो दुनिया जब बर्बाद हुई तो ये लोग बच गए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।